कब आएगा मजा? कितने आदमी थे जो डर गया, समझो मर गया। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृतांत पर स्वागत है। फिल्म शोले का नाम कौन नहीं जानता होगा। गब्बर ठाकुर की दुश्मनी और जय बीरू की दोस्ती की कहानी इसी फिल्म का एक हिस्सा है। फिल्म निर्देशक रमेश सिप्पी की शोले 1975 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में थे। बॉलीवुड की यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म के गाने और इसके कई संवाद लोगों के बीच आज भी काफी मशहूर हैं। हालांकि शायद ही लोगों को पता होगा कि इस मेगा फिल्म में भी दूसरी लोकप्रिय फिल्मों की तरह कई गलतियां रही हैं। हम यहां कुछ ऐसी ही गलतियों का जिक्र कर रहे हैं जो शायद आपको भी नजर नहीं आई होंगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जब गांव में बिजली नहीं थी तो पानी की टंकी क्या कर रही थी। जिस रामगढ़ में ठाकुर यानी संजीव कुमार का घर था और जहां की बसंती थी, वहां बिजली नहीं थी जैसा कि फिल्म में दर्शाया गया है। लेकिन शोले के एक दृश्य में जिसमें बीरू यानी धर्मेंद्र टंकी पर चढ़कर बसंती की बुआ को ब्लैकमेल करके अपनी शादी फिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब गांव में बिजली ही नहीं थी तो टंकी पर पानी कैसे चढ़ाया जाता था। ये तो हम सब जानते हैं कि बिना मोटर चलाए टैंक तक पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है। बसंती ने तोड़ा पुल, फिर मिनटों में किसने जोड़ा। फिल्म में डाकुओं से बचने के लिए बसंती यानी हेमा मालिनी अपने तांगे से स्टंट करके लकड़ी के पुल को तोड़ देती हैं, जिससे पीछे से आ रहे डाकू दूसरे रास्ते से आने को मजबूर होते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीरू को भी यह पुल टूटा हुआ मिलता है, लेकिन जब जय और बीरू बसंती को डाकुओं से बचाकर लौटते हैं तो उस सीन में वही लकड़ी का पुल पूरी तरह से दुरुस्त मिलता है। ये पुल फिर किसने ठीक कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। गोली लगी सामने, निशाना बना पीठ पर। फिल्म में जब गब्बर अपने तीन डाकुओं को गोली मारता है तो तीनों गब्बर के ठीक सामने फेस टू फेस खड़े दिखाई दे रहे हैं। गब्बर तीनों को सामने से गोली मारता है, लेकिन अगले ही पल दो डाकुओं की पीठ और गर्दन के पीछे पर गोली लगी दिखाई देती है। बीरू की एक गोली से कैसे मर गए दो डाकू। फिल्म में डाकुओं से लड़ते वक्त जब बीरू यानी धर्मेंद्र जमीन पर गिरते हुए पिस्तौल चलाते हैं तो उनकी एक गोली से दो डाकू घोड़े से गिरकर मर जाते हैं। भला एक गोली से दो लोग कैसे मर गए। जय के खाली हाथ में कहां से आया सिक्का। फिल्म के आखिरी सीन में जय यानी अमिताभ जी की मौत से पहले जब वह पुल के पास आते हैं तो उनकी दोनों हथेलियां खुली दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब वो बीरू यानी धर्म जी की बांह में दम तोड़ते हैं तो बीरू को उनके हाथ में सिक्का मिलता है। जय ने मरते समय सिक्का जेब से निकाल लिया क्या। ठाकुर के कुर्ते से दिखाई दिए थे हाथ। फिल्म में ठाकुर के हाथ को गब्बर यानी अमजद खान काट चुके थे, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो फिल्म के अंत में जब ठाकुर यानी संजीव कुमार गब्बर को मारते हैं तो उनके सफ़ेद कुर्ते से उनके हाथ कुछ सेकंड के लिए साफ दिखाई दे रहे हैं। लगता है कि क्लाइमेक्स के चक्कर में फिल्म निर्देशक इस खामी पर ध्यान देना भूल गए। जब बसंती मंदिर पैदल गई थी तो वापस आते समय तांगा कहाँ से आया। बसंती यानी हेमा मालिनी पैदल ही मंदिर जाती हैं, यहाँ तक कि बीरू यानी धर्मेंद्र भी पूछते हैं कि आज तुम्हारी धनो कहाँ है, लेकिन जब वह मंदिर से वापस लौटती हैं तो तांगा बाहर इंतजार कर रहा होता है। बसंती तो इसे छोड़कर घर आई थी, ये मंदिर के बाहर कैसे गया, समझ से परे है। सिर्फ दो सेकंड में ऐसा चमत्कार किसने किया। ठाकुर जब गांव वापस आते हैं तो उनके परिजनों के कफन में लिपटे शरीर जमीन पर पड़े रहते हैं। इसी दौरान हवा में कफन उड़ जाता है और वह आधे खुल जाते हैं, लेकिन ठाकुर बच्चे के शरीर से कफन खुद हटाते हैं और वह कफन हवा में उड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल जब ठाकुर गब्बर को मारने के लिए घोड़े की तरफ मुड़ते हैं तो बच्चे समेत पूरे शरीरों पर कफन पूरी तरह से ढका हुआ होता है। दो सेकंड में ये कमाल किसने कर दिया। घोड़े के बदल गए थे रंग, काले से हुआ था भूरा।
पिता अपने परिवार की हत्या के बाद जब ठाकुर गांव वापस आते हैं तो वह काले घोड़े जिसके खुर पर सफेद रंग का पैच होता है पर सवार होकर गब्बर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही घोड़े का रंग बदल कर भूरा हो गया है जिस पर सफेद पैच भी नहीं है। अब घोड़े का रंग बदल गया है या घोड़ा कहा नहीं जा सकता। उत्तर भारत की कहानी में कैसे दिखाई दिया कन्नड़ में लिखा बैनर, ऐसा दर्शाया गया है कि शोले फिल्म की कहानी उत्तर भारत की पृष्ठभूमि से संबंधित थी, हालांकि इसकी शूटिंग कर्नाटक के रामनगरम गांव में हुई थी। इसलिए फिल्म के पहले गीत दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में कन्नड़ में एक सड़क के किनारे बैनर लिखा हुआ दिखाई देता है। यह एक बड़ी त्रुटि है क्योंकि जब फिल्म की कहानी उत्तर भारत की दिखाई गई है तो कन्नड़ का बैनर नहीं दिखना चाहिए था। संध्या होने पर राधा ने क्यों बुझा दी लालटेन, जब संध्या होती है तो ठाकुर की बहू यानी जया बच्चन घर की सभी लालटेन बंद कर देती हैं, जबकि वास्तव में शाम को उन्हें जलाने का समय होता है। फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया गया है पता नहीं। गोली लगने के बावजूद कैसे खून का एक धब्बा भी दिखाई नहीं दिया। ठाकुर यानी संजीव कुमार के पूरे परिवार को गब्बर सिंह यानी अमजद खान गोली द्वारा मार देते हैं, लेकिन उनके शरीर पर कोई खून दिखाई नहीं देता जबकि वह जमीन पर गिरते हैं। और ठाकुर भी जब उनके शरीर को देखते हैं तब भी उनमें से किसी पर भी एक खून का धब्बा भी दिखाई नहीं देता, जबकि फिल्म के अन्य दृश्यों में गोली और चोट लगने पर खून का बहते दिखाया गया है। तो यह कैसे हो सकता है कि केवल ठाकुर के परिवार वालों को मारने के दृश्य में गोली लगने पर खून का धब्बा दिखाई नहीं देता है। जब जय के हाथ से पिस्तौल गायब हो गई थी तो वापस कहां से आ गई। जिस सीन में जय वीरू और बसंती गब्बर के ठिकाने से भागते हैं और डाकू उनका पीछा करते हैं तो भागते हुए जय यानी अमिताभ पुल पार करते हैं, उस दौरान उनके हाथ में पिस्तौल होती है, लेकिन जब वह पुल पर गिरते हैं तो पिस्तौल गायब हो जाती है। और जब वह पुल पार करके वीरू के पास आ जाते हैं तो फिर से उनके हाथ में पिस्तौल आ जाती है। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। 3 बजे रुक गई घड़ी। असरानी ने शोले में जेलर की भूमिका निभाई थी, जो अक्सर कहते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस फिल्म के एक दृश्य में नाई बने कैस्टो मुखर्जी उनके पास जय और वीरू के जेल से भागने का प्लान बताने जाते हैं। उस समय घड़ी में 3 बजे होते हैं। इसके बाद जब जय और वीरू जेलर से मिलने के लिए जाते हैं तब भी घड़ी की सुई 3 पर ही अटकी रहती है। हालांकि यह दृश्य फिल्म में इतना हास्यास्पद था कि इस गलती की तरफ निगाह कम ही जाती है। खंभों की परछाई कहां गायब हो गई। फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में जब ठाकुर यानी संजीव कुमार गब्बर यानी अमजद खान को मारते हैं तो उस वक्त वहां खड़े 2 खंभों की परछाई साफ दिखाई देती है, लेकिन दूसरे सीन में खंभों की परछाई गायब हो जाती है जबकि गब्बर और ठाकुर की परछाई साफ दिखाई देती है। तो इन गलतियों में से सबसे बड़ी गलती आपको कौन सी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।